ये लोगो है NBA की एक टीम शिकागो बुल्स का और आज हम जा रहे हैं उनके होम ग्राउंड पे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और व्लॉग के साथ हाजिर है, खिदमत हूँ। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं शिकागो और शिकागो ओहायो से तकरीबन 7-7.5 घंटे दूर है। लंबा रास्ता है काफ़ी और मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। रास्ते में जो भी मनाजर होंगे मैं आपको वो भी दिखाऊँगा और शिकागो के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको वो भी देता रहूँगा। तो चलते हैं, लेट्स गो। घर से निकले हुए तकरीबन एक घंटे से कुछ ज़्यादा हो चुका है और अभी रास्ते में रिफ्यूलिंग के लिए रुका हूँ। मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश है, विजिबिलिटी थोड़ी लो है। ये हॉलीडे सीज़न होता है और इस पर अमूमन सारे लोग ही कहीं ना कहीं आ जा रहे होते हैं, इस वजह से रश थोड़ा ज़्यादा है। उम्मीद है हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा। अपना सफ़र शुरू करता हूँ, रिफ्यूलिंग हो चुकी है और बस अब हम कंटिन्यू करेंगे। चार घंटे सफ़र का हमने तय कर लिया है और अब तकरीबन 2 घंटे बाकी रह गए। मौसम जो है वो थोड़ा ख़राब है, फॉग जो है वो है और वो डेंस होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं और साइड पोस्ट पे भी जो कुछ लिखा आ रहा है तो उस पर वो यही कह रहे हैं कि बी अलर्ट, आगे फॉग ज़्यादा है। उम्मीद है कि ज़्यादा तंग नहीं करेगी। अभी हमारा प्लान ये है कि हम पहले खाना खाने जाएँगे और खाना खा के उसके बाद होटल हमारा रिजर्व है और उसके बाद हम होटल में जाएंगे। शिकागो पहुंच गए आखिरकार और अब टोल प्लाजा पे हैं। अब इधर से आगे तकरीबन आधा घंटा हमारा होटल है और लेकिन उससे पहले हम खाना खाएंगे फिर होटल जाएंगे। बड़े शहर की एक वाइब ही डिफरेंट है, मल्टी लेन्स और फिर शोर और उसके बाद रश। और शिकागो का ओहायो से टाइम भी 1 घंटा पीछे है तो अब यहाँ पे टाइम जो है वो 1 घंटा पीछे चले गए हम। तो अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी धुंधला सा है तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। अभी चलते हैं, डाउनटाउन भी देखेंगे तो उम्मीद है कि वो, इनकी स्काईलाइन वैसे भी बड़ी मशहूर है, वो भी आपको दिखाएँगे। डिवोर्स स्ट्रीट पहुँचने लगे हैं, 2 मिनट दूर है और यहाँ पे मैंने सुना है कि फुल पाकिस्तानी वाइब आती है, आपको बिल्कुल वैसे ही खाने भी हैं, वैसे ही स्मेल, वो सारा कुछ वैसा ही माहौल है सारा। जाके देखते हैं और उम्मीद है कि हमें अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। वाकई जी ये तो पाकिस्तान का हिस्सा लग रहा है और वाकई खानों की खुशबू भी आ रही है और लोग भी वही हैं, बस थोड़ा ये है कि सफाई सुथराई का प्रॉपर ख्याल है, ट्रैफिक प्रॉपर चल रही है, अदरवाइज़ ये पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, ये सारा वो ही सब कुछ है। आज इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ, सदर रावलपिंडी में और बिल्कुल फूड स्ट्रीट के पास जो गखड़ प्लाजा है ये वो वाला चौक मैंने क्रॉस किया तो ये साथ आप सिटी सेंटर देख सकते हैं। ऑर्डर प्लेस कर दिया जी, हम इस वक्त हैं साबरी निहारी पे और लेट्स सी। खाना हम लोगों ने खा लिया, रेस्टोरेंट का नाम था साबरी निहारी
और हमने ऑर्डर किया था नली निहारी और चप्पल कबाब। चप्पल कबाब तो इतना खास नहीं था, लेकिन साबरी निहारी जो थी वो बहुत लजीज थी। वो वाकई पाकिस्तान के जैसा टेस्ट था उसका, और मैं तो कहूँगा बिल्कुल वो लेवल की थी। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और करीब ही हम पहुँचने लगा हूँ, लेकिन अभी तक धुंध उसी तरह है, मौसम उसी तरह ही है। अच्छा जी, हमारा चेक इन हो गया और होटल हॉलीडे इन है ये डाउनटाउन में। ऑफ कोर्स डाउनटाउन में तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत है, साफ सुथरा। और जस्ट चेक इन और अभी हम अपने रूम में जाएंगे और सामान वगैरह रखेंगे, काफ़ी थक गए हैं, रेस्ट भी करेंगे और मे बी हम जाएँ थोड़ा वॉक के लिए, क्योंकि बाहर बहुत खूबसूरत रौनकें हैं। तो अगर वॉक के लिए गए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, रूम पे मैं आ गया हूँ और मैं आपको एक क्विक सा रूम टूर देता हूँ। दो क्वीन बेड्स हैं और इसके बिल्कुल सामने है टीवी और खूबसूरत साफ सुथरा लैम्प, अच्छा रोशन कमरा है। और साथ ही इसके पास में है फ्रिज है, कॉफ़ी मेकर है और ये इसका हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है। और उसके बाद है व्यू, जो कि कुछ भी नहीं है। इधर से लॉबी का व्यू है।